हेलो बच्चो लेट्स सी द क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर या फिर कंसंट्रेशन यूनिट्स तो बेटा जी जो कंसंट्रेशन टर्म्स या फिर यूनिट्स कंसंट्रेशन यूनिट्स या फिर टर्म्स वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी वो सारी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी क्यों क्योंकि टेम्परेचर पर वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है तो बस हमें ये देखना है कि हर टर्म में की वॉल्यूम कहाँ नहीं आ रही है वो इनडिपेंडेंट हो जाएगी तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मेलिटी की तो नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा जी मास और सोल्यूट बाई इक्ट वेट इक्वलेंट वेट इंटू मे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो यहां वॉल्यूम वॉल्यूम आ रही है इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट नहीं है दूसरा ऑप्शन देखते हैं मोलैरिटी मोलरिटी क्या होता है बेटा जी मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो वॉल्यूम आ रहा है मतलब मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो गयािटी मोलिटी तो मोलिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल सोल्यूड बाई मास के जी तो यहाँ आप ध्यान से देखिए यहाँ कोई भी वॉल्यूम की टर्म नहीं आई है तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो कंसेंट्रेशन यूनिट है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुई टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है और लास्ट जो ऑप्शन है वो क्या है बेटा जी पीपीएम डेट इज पार्ट पर मिलियन वो क्या होता है एक मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब यहाँ भी क्या आ रही है वॉल्यूम का यूज हो रहा है तो ये भी क्या हो गया बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट तो मैं यहाँ पे कहूँ आपको कि कौन सी टर्म है जो बिल्कुल भी टेम्परेचर प्र, पे डिपेंड नहीं कर रही है तो वो है सिर्फ मोलिटी तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑल द बेस्ट